देखिए दोस्तों, आज आए हैं द्वारका सेक्टर 10 में रामलीला ग्राउंड में। आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे हर साल रामलीला भी होती है, और अब की बार कुछ जो यूनिक चीज़ बनी है वो बना है ये रावण। आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी हाइट काफ़ी लंबी है, 110 या 120 फुट के आसपास होगा ये, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और जिसने बनाया है एक बार उससे ही बातचीत करेंगे। अब मैं आप लोगों को ना इस रावण की सारी चीज़ डिटेल में दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। और हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारे फारूक भाई। क्या हाल है फारूक भाई? वेरी गुड भाई। ये देखो दोस्तों, ये द्वारका सेक्टर 10 का ग्राउंड है जहां हम पतंगबाजी करते थे। यहां क्रेन इसको उठाएगी, यहां रामलीला कमेटी ने ये पूरा ले लिया। अब इस तरीके से पूरा राउंड रहने वाला है। ये देखो 110 फुट के आसपास होगा जहां तक मेरा आइडिया। और ये इसकी तलवार देखो भाई, खड़ा होना है फारूक भाई, एक बार तलवार देखते इसकी भाई। और उधर देखो भाई, इसके जूते भी काफ़ी फुट। हाँ, ये मतलब 40 फुट के आसपास की इसकी तलवार है, लोहे की है पूरी, और लोहे की है। और इस पर जो कपड़ा लगा है उससे जलेगा ये। अब ये देखते हैं ये बांस का बना है दोस्तों या लोहे का बना है, क्योंकि हमने जितने भी रावण देखे हैं अभी तक बांस के देखे हैं। तो देखो इधर वो बांस के भी, उधर देखो तैयार हो रहे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अब ये देखो, ये कह रहे क्या है, स्ट्रक्चर पूरा बांस का है दोस्तों। यहाँ से देखिए आप, ये देखिए बांस का स्ट्रक्चर है। और जो ये वाला जो नेट लगाया है, ये वो वाला मैट है जो घरों पे पेड़ों पे लगाया जाता है ताकि छाव के लिए है। वारू भाई बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग बिछा दी नीचे अंदर। और भाई ये देखो स्ट्रक्चर देखो आप इसका, राउंड का अंदर का ये देखो भाई, चेक करो दोस्तों एक बार। और ये वेल्ड करके इतनी हाइट होने के बाद लोहे का ही स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ताकि इसको खड़ा कर पाए। खड़ा करने के लिए भी इसको क्रेन की ज़रूरत होगी। और ये देखो भाई, यहाँ से जो ये इसका जो बनाया गया है इस पर खड़ा होगा, ये इसका बेसमेंट है। और इधर से देखो भाई, यहाँ से अंदर से अगर भाई इतना देखोगे, देखो यहाँ से भूल भुलैया, और इधर से ये सारा ऐसे होता भाई, चेक करो एक बार। और देखो दोस्तों, जो अब की बार जलेगा तो पटाखे बैन होने की वजह से हर साल की तरह तो इसमें पटाखे लगाए नहीं गए हैं। कभी आप सोचो कि जितना बड़ा रावण हो उस तरीके से पटाखे फटाफट होंगे, वो चीज़ें नहीं होने वाली इसमें। और ये बांस की लगा के इसको फिट कर दिया गया है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये इस तरीके से रहेगा। और बाहर से इसको कलरफुल कपड़े से रंग दिया गया है। अब ये देखो, अब इसके चेहरे की तरफ चलते हैं। आओ फारूक भाई, इसके चेहरे की तरफ चलते, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको इसका चेहरा। देखिए दोस्तों इसका चेहरा, ये जो इसका हाथ बनाया गया है, इसके हाथ की डिटेल दिखाते हैं हम। आओ फारूक भाई, आगे आओ एक बार। इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर लोहे का लगा है और कुछ स्ट्रक्चर जो है बांस का बनाया गया है। मतलब जितने भी बड़े रावण होते हैं ना, मोस्टली हमने जो 50-60 फुट तक के होते हैं वो हमने मोस्टली बांस तक के देखे हैं। और जो ये वाला रावण है, इसमें शेप देने के लिए, इतना बड़ा देने के लिए इसमें लोहे का स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये कपड़ा है ना, जो देखो पहले टाइम पर चलता था ये वाला कपड़ा, सूट सिल्क वाला है फारूक भाई, क्या बोलते हैं इसको, सुनील का। आओ भाई, अब देखो भाई, ये पिन मार के ना इस तरीके से रोका गया है। इस पर देखो पिन मार के रोकी गया कपड़ा, ये पिन मार के रोकी गई है, ये देखो। आओ भाई, और ये चेक करो भाई एक बार, ये देखो भाई, ये चेक करो, ये देखो, ये आपको बारीकी में डिटेल दिखाते हैं। इधर से देखो, इधर से भी। और भाई ये वाला वो वाला प्लास्टिक है जो नेता लोग लगाते हैं ना बैनर में, वो वाला कपड़ा इस पर पेंट किया गया है शेप देने के लिए। और ये पीओपी का है, ये सारा पीओपी का फाइबर का है ये, प्लास्टिक के टाइप में। और इधर नीचे से दिखाता हूँ भाई, आओ ये देखो भाई, ये चेक करो इधर। वाओ, क्या है रोहित भाई, ये क्या है ये? ये भाई रावण का मुकुट है और ये चेहरा है, इधर से देखिए इतना, ये भाई इसका चेहरा है, ये देखो इधर से चेक करो भाई, ये इसका भाई चेहरा, इधर से इसका मुकुट है, ये देखो। और ये इसकी और हाइट बना दी गई है थोड़ा लंबा। और भाई यहाँ मेला भी ज़बरदस्त लगा है, यहाँ पे भी दो एरिया में मेला लग गया है, एक इधर भी एक उधर भी। और ये फारूक भाई इसके खड़े होना एक बार, ये लो भाई, ये मतलब लटक के झूलो पुलो कुछ करो। और उधर देखो वो पिलर गाड़ने के लिए तैयारी चल रही है। तो भाई जूतों के दिखाते आओ, अब बात करते हैं जूतों वगैरह पे। तो इधर देखो ये वाले जो प्लास्टिक के हैं, ये प्लास्टिक का कुछ इसमें होगा या नहीं होगा वो भी देखेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर है,
ये वाला सारा बांस का बना है। रावण कुंभकर्ण जो होंगे बांस के, रावण तो खैर लोहे का बना दिया, बांस का भी मिक्सर है, ये कुंभकर्ण होंगे। ये इसका शायद पांव होंगे, खड़ा करने का स्टेज होगी, स्टेज है ही होते जूते वो है। ये भी लोहे के हैं भाई, ये भाई लाइट जलेंगी इसमें, ये सारा लाइट है ठीक है। वो इसके जूते हैं, चलो मैं आपको जूते भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, चेक करो इधर भाई, इसमें भी है ना दोस्तों, इसमें भी कुछ लोहे का स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। लोहे के साथ साथ इस पर बांस की भी जो खपच्ची होती है उनका भी इस्तेमाल किया गया है। ये सारा कपड़ा है ये देख सकते हो आप, ये इस तरीके से कपड़ा जो टेंट वाला कपड़ा होता है वो देख रहे हो। फारूक भाई खड़े होना एक बार, ये देखो भाई इसकी हाइट ही कम से कम 6 फुट के आसपास होगी, है ना, 6.5 फुट है, 6.5 फुट है। और लंबाई भाई कम से कम भी, लंबाई तो इसकी आप समझ लो 20 फुट है, 120 फुट, और खाली 20 फुट का जूता जूता है। और इधर से देखो भाई, आप देखो पूरा राउंड भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया चीज़ है भाई। और आओ, एक जो महंत जी हैं जो इसको बना रहे हैं उनसे ही मैं बातचीत कराता हूँ एक बार थोड़ी सी, वो अंदर लेटे हुए एक बार उनसे बातचीत करते जैसे ये रहे। तो देखो दोस्तों, अब की बार ये हमारे सर हैं महंत जी हैं जो अब की बार इन्होंने बीड़ा उठाया है ये राउंड यहीं पर बनाने का। तो सर ये आपने मतलब पूरा अब की बार अलग ही यूनिक तरीके से बना दिया। हाँ जी। तो इसकी मतलब कितनी कॉस्ट आई होगी अगर कोई ऐसा बनवाता तो इस टाइप का? इसमें लगभग 35 लाख रुपए के करीब, 35 लाख रुपए के आसपास। जो यहाँ की संस्था है द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी, उसने ये किया है मतलब खर्चे को। अच्छा, तो इसमें मतलब आपका सारा क्या रोल क्या रहा, मतलब डेकोरेटिंग का, बनाने का, स्ट्रक्चर का? बनाने का, डेकोरेटिंग का, हर प्रकार का, बस ये सारा सब कुछ मटेरियल वगैरह। हाँ। तो अब की बार जो जलेगा ये सिर्फ कपड़ा जलेगा क्योंकि लोहे का स्ट्रक्चर भी है, बांस का भी हमने देखा अंदर तक, कपड़ा भी जलेगा बांस भी जलेगा। तो क्रैकर वगैरह अब की बार भी नहीं, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जलेगा अब की बार। और अभी देखिए जैसे ये तैयारी चल रही है, ये सजावट के राउंड के ऊपर लगेंगे सर? हाँ जी हाँ, लगा दिए काफी। ये देखो डेकोरेटिंग का इस तरीके से ना, अपने हाथ से इनकी कलाकारी देखो, इस तरीके से डिजाइन डाल के बना के ये रखते हैं भाई, ये वाले इस तरीके के सारे डेकोरेटिंग का काम इस तरीके से होता है। ये देखो जैसे शिव जी का निशान का बना दिए, मूछ बना दी उधर, ये सारा फोम है, ये सारा डेकोरेटिंग का काम सर का रहता है। और जैसे जो चंडीगढ़ वगैरह भी मतलब आप लोग ही बनाते हो चंडीगढ़ भी, क्योंकि वहाँ पे भी यही है सेम? हाँ बिल्कुल, ये वही है, वही यही है भाई। देखो दोस्तों इस तरीके से, ये देखो ये ऐसे डिजाइन करके इसको फिर कटिंग करेंगे और इसके छोटे छोटे पीस वहाँ पे लगाए जाएंगे। ये देखो बिल्कुल लगाए जाएंगे, ये देखो अच्छी कलाकारी ये होती है, इसको डिसाइड करके काट लिया जाएगा ऐसे। ये लो, तो ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा सर? अपना टाइम से पहले ही तैयार हो जाएगा है ना? आज तैयार हो जाएगा। तो भैया चलो दोस्तों आपको थोड़ा सा और अंदर तक डिटेल में दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सारा जो महंत जी से उनसे भी पूछा, जो जिन्होंने रावण बनाया ये 110 फुट के आसपास का है, और इसका अगर जो पांव वगैरह लगा के अगर इसको जोड़ेंगे तो शायद उससे ऊपर का भी बैठ जाए। ये पीछे दिए आप देख सकते हो, यही कम से कम 20 फुट के आसपास की ये जूते रहेंगे, इसकी जूती जो बनाई गई है। जो ये तलवार है ये 40 फुट के आसपास की होगी, है वर्ग भाई, या 35 के आसपास है? मेरे हिसाब से 35 फुट की तलवार। बताओ आप, बिजली का काम कर दो, फैला दो एक बार बिजली की तार की तरह, इसको बता दो कितने मीटर का ये, मैं बता रहा हूँ ना, 35 के आसपास है। और आपको देखिए अगर रामलीला देखने भी है तो आप आ सकते हो यहाँ पे। फुट अभी दिखाता हूँ मैं रामलीला, कितना स्टेज लग गया कितना नहीं लगा भाई। यहाँ पे पूरी स्टेज वगैरह लग चुकी है, यहाँ पे पूरा मंच लगता है हर साल की तरह, बढ़िया से कमेटी बना के। और ये अब दोस्तों ये है फाइनल, ठीक है। फिर भी किसी भाई का कोई इससे क्वेश्चन है कि भाई कितने दिन में तैयार हो जाएगा, तो मोस्टली ये अभी बता दिया इन्होंने कि जल्दी इसको खड़ा करके आप लोगों के लिए तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दिल्ली में सबसे बड़ा रावण दोस्तों जो आप लोगों के सामने है। इसकी हाइट वेट आप देख सकते हो बहुत काफ़ी है, और इसको खड़ा करने के लिए पूरी क्रेन वगैरह आपके सामने ही खड़ी है, इधर आप देख भी सकते हो हमारे राइट हैंड साइड पे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कुछ।